ये दाल का हलवा यह हमारा पौष्टिक से भरपूर है और यह सभी लोग खा सकते हैं घर के सदस्य और बराबर एक हफ्ते में बनाइए और बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार यह हलवा है हमारा। मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए मैं चने के दाल का हलवा बनाऊँगी, उसके लिए मैंने एक कटोरी दाल पानी में भिगो दे रही हूँ 4-5 घंटे के लिए। इसको अच्छी तरह धो लूँगी 3-4 पानी में, तब मैं भिगो दूँगी। मैंने दाल को यानी चने की दाल को 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए हमारी दाल एकदम से अच्छी तरह फूल गई है। देखिए अब मैं इसको सिल पर पीसूँगी। सिल पर पीसने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पहले सभी लोग सिल पर ही पीसते थे, हमारी मम्मी और दादी सिल पर ही पीस कर बनाती थी। मैं चने का हलवा सिल पर ही पीस कर बनाऊंगी। सिल पर पीसने से बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए मैंने पीस लिया है। ऐसे ही मम्मी और नानी सिल पर ही पीस कर बनाती थी, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये जानिए साबुत चने की दाल है, इसको मैंने सिल पर पीसा है, बहुत ही टेस्टी हलवा इसका बनेगा चने की दाल का। पूरी दाल को पीस लूँगी। देखिए मैंने चने की दाल को पीस लिया है, थोड़ा दरदरा ही पीसा है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, घी डाल कर अच्छी तरह भूनूंगी। देखिए मैंने घी डाल दिया है, हमारी घी एकदम से गलने वाली है। पीसी हुई दाल को डाल करके अब भूनूंगी 25 मिनट तक, कम से कम 20 से 25। इसको हमें काफ़ी देर तक भूनना है। तो जितना आप अच्छी तरह भूनेंगे इसका फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। आपको इसे लो और मीडियम फ्लेम में इसे धीरे धीरे भूनना है। 20 से 25 आप जितना ही भूजेंगे उतना इसका फ्लेवर उभर कर आएगा। आप इसी प्रकार 25 मिनट तक भून लीजिए धीमी आंच में करके। मैं इसको जिस प्रकार भून रही हूँ यह धीरे धीरे गोल्डन होती जा रही है, इसका कलर चेंज होता जाएगा। देखिए हमारी दाल देखिए भून गई है और देखिए इसका दाना दाना अलग हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि हमारी दाल करीब पक चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको रोस्ट करूँगी। कलर भी देखिए चेंज हो गया है, पहले हमारी पीली पीली थी, अब देखिए यह एकदम से कलर चेंज कर चुकी है दाल हमारी। इसको आप बराबर चलाते रहिए, रुकिए मत। इसको चलाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा आपका हाथ भी दर्द हो सकता है। मैंने ड्राई फ्रूट को काट लिया है, हमारा थोड़ा सा काजू है या बादाम है या मुनक्का और या हमारी गरी है। देखिए मैंने जब इसको भूनने के लिए डाला था घी में तब यह हमारी एकदम पीली पीली थी, एकदम कच्ची दाल यानी, और इसको मैंने रोस्ट कर दिया, इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है यानी एकदम से यह भून करके तैयार हो गई है और दाल हमारी एकदम दाने अलग अलग हो गए हैं। देखिए हमारा दूध एकदम फुल क्रीम दूध है, मैंने इसको धीमी आंच में अच्छी तरह पका लिया था। 1 किलो दूध डाल दूंगी इसमें। देखिए मैं 1/2 किलो दूध ले ली हूँ, इसको मैं पूरा ही डाल दूंगी।
इसका फ्लेवर दूध ज़्यादा होने की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप दूध या मावा डाल रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको दूध अधिक प्रयोग किया, क्रीम नहीं डाला है। जिस प्रकार हम मावा डालते हैं इसका फ्लेवर आएगा, उसी प्रकार मैंने दूध की मात्रा को बढ़ा दिया, इसका फ्लेवर मावा की तरह ही आएगा। देखिए मैंने इसी कटोरी से चने की दाल को लिया था, मैं इसी से चीनी भी डाल दे रही हूँ। आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि चीनी हलवे में ज़्यादा मीठा ही अच्छा लगता है। आपको जिस प्रकार पसंद हो उसी प्रकार चीनी को ऐड करिए, हल्का या मीठा जिस प्रकार आप खाते हैं। भून ले रही हूँ, चीनी को मिला ले रही हूँ अच्छी तरह, ऐसी मेल्ट हो जाएगी। हलवे में से पानी निकलने लगा है, जैसे मैंने चीनी को ऐड किया है। इसमें हमसे इसको खुआ लेना है और दानेदार होने तक इसको हमें भून लेना है, इसी प्रकार पका लेना। आप चलाते रहें और भून लें इसी प्रकार। देखिए हमारा हलवा एकदम से रेडी है, एकदम से तैयार हो चुका है। आप इसको खाइए, अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है इसको देख करके, तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अरे हमारा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें दूध पड़ा है, चना तो फ्लेवर लाता ही है, और चना तो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक है, और ड्राई फ्रूट भी है, दूध भी है, उसमें घी भी डाला है देसी, इसलिए यह पौष्टिक से भरपूर हमारा चने का हलवा है। आप इसको हफ्ते में एक बार तो बना करके खा ही लीजिए, क्योंकि यह पौष्टिक हलवा यह हमारा पौष्टिक से भरपूर है, और यह सभी लोग खा सकते हैं घर के सदस्य, और बराबर एक हफ्ते में बनाइए, और बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार